It's December 13, paper 2-1. In triangle ABCD is the point on BC such that AD bisects BAC. Bisects ka matlab equally divided in two parts. And E is the point on AB such that AE equal to AC. Show that the triangle AED and ACD are congruent. Congruent means same shape and same size. पहली प्रॉपर्टी हमने लिखी कि AE और AC बराबर है, उनके हमें गिवन था ये. सेकेंड में हमने कहा कि AD is equal to AD. AD is a common length between two triangles. लास्ट पार्ट हमने कहा कि EAD और CAD बराबर है. मतलब इसका ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, क्योंकि AD हमारे पास जो लाइन है दैट इज एन एंगल बाइसेक्टर जो कि आपको गिवन है. इसी लिहाज से हमने प्रूव कर दिया कि AED और ACD ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं. किस प्रॉपर्टी से किया? साइड एंगल साइड से किया. नेक्स्ट पार्ट में गिवन है कि ए बी डी बराबर है एक्स के, ई डी बी बराबर है वाई के और ए सी बी बराबर है जेड डिग्री के. फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एंड जेड. हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारे पास ए ई डी और ए सी डी कॉन्ग्रेंट है. इसका मतलब अगर ये एंगल जेड होगा तो ये एंगल भी जेड होगा. अगर ये एंगल जेड है और बी ई एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल हम निकाल सकते हैं 180 माइनस जेड से. अब ये एंगल मालूम है और बी ई डी ये एक ट्राइंगल है, तो हम एक ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे कि एक्स प्लस 180 माइनस जेड प्लस वाई इक्वल टू 180. यहाँ से हमारे पास एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई और जेड आ जाएगा, दैट इज जेड माइनस वाई. ये इसका आंसर है. दिसंबर 13 पेपर 2-2. इट सेज दैट ए बी एंड बी सी आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ. डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. ए बी सी इज 108. फाइंड डी ओ ई. तो कौन सा एंगल आपको फाइंड करना है? आपको डी ओ ई, ये आपको एंगल फाइंड आउट करना है. ऑलराइट, द फर्स्ट थिंग हियर, एंगल डी और एंगल ई आपके पास 90 होंगे. ये आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर सेंटर से लाइन है कॉर्ड पर तो ये एंगल आपके पास 90 हो जाएंगे. तो अब आप ये कह सकते हो कि 108 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल ओ जो हमें फाइंड करना है इक्वल टू 360 एंड एंगल ओ इक्वल्स टू 72 डिग्री. तो आंसर क्या होगा? डी ओ ई इक्वल्स टू 42 डिग्री. बिकॉज पहले रीज़न मैं लिखूंगा कि ओ डी ई इक्वल्स टू ओ ई बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. दोनों एंगल हमारे 90 थे. और हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स फोर साइडेड फिगर इज 360 डिग्री. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, पार्ट बी. अ सर्कल सेंटर पी एंड अ सर्कल सेंटर क्यू इंटरसेक्ट एट आर एंड एस. तो ये आपके पास सर्कल का सेंटर है. राइट, शो दैट ट्राइंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी एस क्यू. तो पहली चीज मैं ये कह सकता हूं कि पी आर क्यू में आपके पास पी आर और पी एस क्यू में आपके पास पी एस, ये दोनों हमारे पास बराबर होंगे. और रीजन क्या होगा कि ये आपके पास दोनों रेडियस है. सिमिलरली मैं ये कह सकता हूं कि क्यू आर बराबर है क्यू एस के, और इसका भी रेडियस आपके पास रीजन होगा. और लास्ट मैं ये कह सकता हूँ कि पी क्यू बराबर है पी क्यू, क्योंकि पी क्यू आपके पास दोनों ट्राइंगल में एक कॉमन लेंथ है. ऑलराइट, तो हमने ये प्रूफ कर दिया इन तीन प्रॉपर्टी से कि ट्राइंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी एस क्यू विद द प्रॉपर्टी ऑफ साइड साइड साइड. तो ये आपका आंसर. नेक्स्ट पार्ट, आर एस एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट टी. स्टेट द नेम ऑफ द स्पेशल क्वाड्रिलेटरल पी आर क्यू एस. तो ये आपके पास एक काइट बन रहा है. फाइंड पी टी आर. तो पी टी आर का जो एंगल होगा ये होगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि आपके पास काइट्स में जहाँ पर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो एंगल आपका 90 होता है. तो ये आपका आंसर. जून 2013 P11. मरियम मेक्स टू ज्योमेट्रिकल सिमिलर केक्स. द हाइट ऑफ द केक्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. मरियम डेकोरेट्स ईच केक विद अ रिबन अराउंड द आउटसाइड. The length of the ribbon for the larger cake is 66 centimeter. Find the length of the ribbon for the smaller cake. यहाँ पर concept apply करेंगे similar shapes का. जब shape similar तो ratio हमारे पास equal हो जाएगा. तो ये आएगा 6 divided by x is equals to 9 divided by 66. Simplify किया 3 3s are 9, 3 2 22s are 3 1s are 3 2s are. तो x is equals to 44 centimeter. ये हमारे पास part A का answer. पार्ट बी, मरियम यूज 1600 मीटर क्यूब ऑफ केक मिक्सचर टू मेक द स्मॉलर केक. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ केक मिक्सचर शी यूज टू मेक द लार्जर केक. वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ गया. तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल्स टू लेंथ वन अपॉन लेंथ टू होल क्यूब. वी वन हम ले लेते हैं स्मॉलर को और वी टू हम ले लेते हैं लार्जर को.
तो स्मॉलर की हमारे पास लेंथ जो गिवन थी हमें वो थी हमारे पास 6, और लार्जर की जो हमें हाइट गिवन थी वो हमारे पास थी 9। तो लेंथ हमारे पास आ गई, स्मॉलर का हमें वॉल्यूम पता है 1600, तो V1 की जगह हम बेसिकली वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, इट्स 1600 डिवाइडेड बाई V2। सॉल्व करेंगे और हमारे पास V2 का आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व किया, हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 5400 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। जून 2013 P21 का क्वेश्चन, FAECG एंड ADB आर स्ट्रेट लाइंस, D इज पैरेलल टू BC, FAD इज P डिग्री एंड AED इज Q डिग्री, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ P एंड Q फॉर BCG। BCG मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है। अब अगर ये एंगल हमारे पास Q होगा तो ये एंगल भी Q आ जाएगा ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। अगर ये एंगल Q है तो क्या बचा हमारे पास, 180 माइनस Q, तो पहले का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट DBC, DBC मतलब ये एंगल A फाइंड करना है। अगर हम A, B और C को देखें तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ये एंगल कैसे आएगा, अगर ये P है तो ये आ जाएगा 180 माइनस P, तो 180 माइनस P प्लस A प्लस Q इक्वल टू 180, तो हमारे पास A का आंसर आ गया P माइनस Q। नेक्स्ट पार्ट में हमें वैल्यूज दिए कि AE 7 है, EC 3 है, DE 5.6 और BD 2.1, फाइंड BC। हमारे पास यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ADE और ABC, कैसे पता लगा, लाइंस पैरेलल हैं, ये एंगल बराबर है, हमारे पास कॉमन एंगल B है, तो ये ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर होगा। जब ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए तो उनको हमने लिखा रेशो की फॉर्म में। इसको लिखने के बाद जिनकी वैल्यूज हमें मालूम थी हमने इसको पुट कर दिया, तो वैल्यू ऑफ DE इज 5.6, BC हम फाइंड करना चाहते हैं, AE की वैल्यू 7 और AC हमारे पास पूरी लेंथ हो गई 7 + 3 = 10, यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ BC आ गई 8। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड AD, इसी रेशियो में हमने AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC 7/10 यूज किया, AD की जगह AD, AB अगर हम फिगर में देखें तो AB क्या है हमारे पास, AB इज व्हाट, AD प्लस DB इक्वल टू AB, तो यही हमने रिलेशन यूज किया थी एक्सप्रेशन में। AD प्लस AB की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2.1 इक्वल टू 7/10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी 4.9। इट्स दिसंबर 14 पेपर 21, ABC एंड D आर पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड AC इज अ डायमीटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक पहले पार्ट में आपको फाइंड करना है AED, इसका मतलब ये एंगल E हमें फाइंड करना है। हम ट्राइंगल ले रहे हैं FDE, ये ट्राइंगल आ गया, इसमें 90 पता है, 67 पता है, दोनों को ऐड किया, 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल E आ जाएगा, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 23। पार्ट टू, फाइंड CBE, गिव अ रीजन ऑफ योर आंसर। CBE एंगल कौन सा है हमारे पास, ये एंगल है CBE का, ये वाला एंगल। ये एंगल निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए, सर्कल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी डायमीटर के दोनों एंड से हमारे पास एक थर्ड पॉइंट सर्कमफेरेंस पे आता है तो वो हमेशा हमारे पास एंगल 90 का बनता है, तो ये एंगल 90 आ जाएगा। जब ये एंगल 90 आ गया, AFE एक स्ट्रेट लाइन चल रही है हमारे पास, तो इस 90 को जब हम 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास B एंगल 90 आएगा, और यही इसका रीजन था। एक्सप्लेन why DF इज पैरेलल टू CB। DF पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, इसका मतलब है लाइंस हमारे पास पैरेलल है, बेसिकली यहाँ पर करिस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं दोनों, तो ये इसका रीजन था कि क्योंकि एंगल सेम है हमारे पास करिस्पॉन्डिंग एंगल से, दोनों एंगल सेम हो जाएंगे तो लाइंस हमारे पास पैरेलल है। दिसंबर 14 P22 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, इन ट्राइंगल PQR द बाइसेक्टर ऑफ PQR एंड PRQ इंटरसेक्ट एट Y, द स्ट्रेट लाइन XYZ इज पैरेलल टू QR, प्रूव दैट द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल PXZ इज PQ प्लस PR। अगर हम PXZ का पैरामीटर का नॉर्मल फॉर्मूला लिखेंगे तो पैरामीटर इज व्हाट, सम ऑफ ऑल साइड्स, सो इट विल बी PX प्लस XZ प्लस PZ, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब यहाँ पर ये कहा हुआ है कि हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है PQR का, जो कि XY है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल यहाँ पर होगा छोटा वाला A, तो ये भी एंगल A हो जाएगा, ये मतलब वो बाइसेक्टर का हमारे पास, तो हमारे पास XQY का एंगल A है क्योंकि हमारे पास QY बाइसेक्टर है, ठीक है, पहली बात। अब अगर ये वाला एंगल A होगा तो ये एंगल भी A होगा, ये एंगल क्यों इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी, Z वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर एक छोटा ट्राइंगल है हमारे पास XQ और Y, इसमें दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया,
तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई और एक्स क्यू की लेंथ हमारे पास बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यही काम हम ट्राइंगल वाई जेड और आर पे करेंगे। अब पहली बात, हमारे पास ये जो लाइन है वाई आर की, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये एंगल बी होगा तो ये एंगल भी बी होगा, पहली बात। दूसरी बात, लाइंस चूंकि ऑल्टरनेट हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल बनेगा। यहाँ भी जेड प्रॉपर्टी आएगी, तो अगर ये एंगल बी होगा तो ये एंगल भी बी आ जाएगा। वाई जेड आर में दो एंगल्स अगर इक्वल आ गए, इसका मतलब ये भी हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास लेंथ वाई जेड और जेड आर की बराबर होगी। अब आते हैं मेन इक्वेशन नंबर वन पे, जिसमें हमने कहा था कि पी एक्स जेड बराबर है पी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस पी जेड। ठीक है, हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि एक्स वाई बराबर है एक्स क्यू के, ये हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं कलर के हिसाब से आप देख सकते हो, और वाई जेड बराबर है जेड आर के। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस पी जेड प्लस जेड आर। अब पी एक्स प्लस एक्स क्यू, अगर यहाँ पर हम देखें पी एक्स प्लस एक्स क्यू, ये बेसिकली हमारे पास लेंथ ऑफ पी क्यू है, तो ये आ गया पी क्यू। इसी तरह पी जेड प्लस जेड आर, ये हमारे पास लेंथ ऑफ पी आर है, तो ये आ गया पी आर, और यही हमें प्रूफ करना था। इट्स जून 14 पेपर 11। इन द डायग्राम ए बी इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अ लाइन फ्रॉम डी इंटरसेक्ट्स ए सी एट ई एंड बी सी एट एफ, ए डी इज 38 एंड बी ए सी इज 66, फाइंड डी एफ सी। तो आपको फाइंड क्या करना है, यू नीड टू फाइंड डी एफ सी, ये एंगल आपको फाइंड करना है, और इसका आंसर क्या आएगा, इट विल बी 38, क्योंकि यहाँ पर आपके पास लाइंस पैरेलल है, ऑल्टरनेट एंगल हमारे पास यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, वी नीड टू फाइंड ए बी सी। अब हम ये ए बी सी का एंगल कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन पता है, दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी मतलब कि ये दोनों लाइंस आपके पास बराबर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल भी आपके बराबर होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। हम कहेंगे एक्स प्लस 66 इक्वल्स टू 180। सिंप्लीफाई करना है अपने इसको, 180 माइनस 66 एंड डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 57। तो आपके पास आंसर आ गया ए बी सी का 57 डिग्रीज। लास्ट पार्ट, यू नीड टू फाइंड ए ई डी। अब अगर आपके पास ये एंगल 57 है, तो इसकी वजह से एंगल ए आपके पास 57 होगा, विच वन, दिस वन। ऑलराइट, ये आ गया 57। कौन सा एंगल फाइंड करना है आपको, ई फाइंड करना है, तो आपको बाकी दो एंगल्स तो मालूम है, तो ए ई डी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि 57 प्लस 38 प्लस एंगल ई, जो कि आपको फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 180। सो एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 57 माइनस 38 एंड दैट इज इक्वल्स टू 85। ये आपका इसका आंसर। ओके, इट्स जून 14 पेपर 11। इन द डायग्राम ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अ लाइन फ्रॉम डी इंटरसेक्ट्स ए सी एट ई एंड बी सी एट एफ, ए डी ई इज 38 एंड बी ए सी इज 66, फाइंड डी एफ सी। डी एफ सी कौन सा एंगल है हमारे पास, डी एफ सी ये एंगल है 38 क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास लाइन्स पैरेलल हैं। जब लाइन्स पैरेलल होंगी तो हमारे पास जेड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल यहाँ पर होगा, ऑल्टरनेट एंगल पे हमारा एंगल आ गया 38। नेक्स्ट पार्ट इज ए बी सी। ए बी सी ये एंगल ए हमें फाइंड करना है, गिवन दैट ए बी एंड ए सी आर इक्वल, मीन्स कि हमारा ट्राइंगल आइसोसेलेस है। ए निकालने का आसान तरीका, ए प्लस 66 प्लस ए इक्वल टू 180, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, दैट इज 57। नेक्स्ट पार्ट इज ए ई डी। ए ई डी, ए ई डी ये एंगल चाहिए। अब जो एंगल ये वाला सी होगा वही एंगल ये ए होगा 57। ठीक है, क्यों होगा, यहाँ पर भी वो जेड वाली प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट एंगल लग रहे हैं, 57 मालूम है 38 मालूम है, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ये हमारे पास ई का आंसर आ जाएगा। इट्स दिसंबर 15 पेपर 22। इन द डायग्राम पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर, ओ पी टी एंड क्यू एस आर स्ट्रेट लाइन्स, आर टी इज पैरेलल टू एस पी, एक्सप्लेन वाई पी टी इक्वल टू पी आर। पहली चीज़ हमें उसने बताया हुआ है कि हमारे पास पी एस बाइसेक्टर है क्यू पी आर का, क्यू पी आर, तो अगर ये वाला एंगल छोटा ए होगा तो ये एंगल भी ए होगा। ठीक है, ये बाइसेक्टर की वजह से हो गया, और अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल ए होगा, ये हमारे पास बेसिकली ऑल्टरनेट एंगल की वजह से हुआ, तो ये हमारे पास एंगल ए आ गया स्मॉल वाला। इसी तरह अगर ये एंगल ए है, दैट इज क्यू पी एस, अगर ये एंगल ए होगा तो हमारे पास ये वाला एंगल भी ए होगा। ये किस प्रॉपर्टी से हो रहा है, ये करिस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से हो रहा है। ठीक है, अब अगर पी आर टी में दो एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब कि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है,
जिसमें लेंथ पी आर और लेंथ पी टी हमारे पास इक्वल होगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द डायग्राम अबव पी क्यू पी आर क्यू आर की वैल्यूज हमें मालूम है। इट इज गिवन दैट पी क्यू ओवर पी आर इक्वल टू क्यू एस ओवर एस आर। तो अब हम यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। पी क्यू की वैल्यू 12 है हमारे पास गिवन है, पी आर की वैल्यू हमारे पास 5 है गिवन है, क्यू एस एस आर ये बेसिकली हमें पूरी लेंथ गिवन है 8.5, क्योंकि हमें एस आर निकालना है इसलिए हम क्यू एस को एलिमिनेट कर देंगे। तो क्यू एस बेसिकली क्या हो जाएगा, 8.5 माइनस एस आर। ठीक है, ये क्यू एस की जगह आ जाएगा और एस आर अपनी जगह, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमें वैल्यू मिल जाएगी सिंपल एस आर की। इट्स जून 15 पेपर 2-1। इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, डी बी एंड ए सी आर स्ट्रेट लाइंस, एक्सप्लेन व्हाई द एरिया ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए डी बी। ए सी बी ए डी बी, पहली बात ये दोनों ट्राइंगल्स एक कॉमन लेंथ शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ट्राइंगल डिससिमिलर हैं, तो हमारे पास वर्किंग फॉर्मूला होगा ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू, ये हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम ट्राइंगुलर फॉर्मूला अप्लाई करें हाफ बेस इंटू हाइट, तो हमारे पास ए सी बी में जो बेस है वो ए बी है और हाइट इसकी एच होगी जो 90 डिग्री पर होगी। इसी तरह अगर हम ए डी बी को देखें तो हमारे पास बेस ए बी है और हाइट वही हमारे पास एच है। हमने यही चीज़ अप्लाई कर दी यहाँ पर, तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर वन आया, तो एरिया ऑफ ए सी बी और एरिया ऑफ ए डी बी हमारे पास इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट पार्ट, द डायग्राम शोज द क्वाड्रिलेटरल ई एच जी के, एच एफ इज पैरेलल टू जी के एंड ई एफ के इज अ स्ट्रेट लाइन, नेम अ ट्राइंगल इक्वल इन एरिया टू ट्राइंगल एच एफ के। अगर एच एफ के का इक्वल ट्राइंगल देखूंगा तो वो मेरे पास एच एफ जी होगा, ताकि दोनों एक कॉमन लेंथ शेयर करें। जिस तरह हमने ऊपर एक टेक्निक अप्लाई की थी वही टेक्निक है, कॉमन लेंथ होगी तो दोनों का इक्वल एरिया हो जाएगा। पार्ट बी, हैंस शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एच ई के इक्वल टू द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एच ई एफ जी। अब एच ई एफ जी के एरिया को अगर हम देखें एच ई एफ जी, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि इट्स इक्वल टू एच ई एफ प्लस एच एफ जी, ये भी मेरे पास वही क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, और एच एफ जी हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये बराबर है एच एफ के। ठीक है, तो बेसिकली एच एफ जी इज इक्वल टू एच एफ के। ठीक है, और एच ई एफ प्लस एच एफ के, अगर इसको मैं कलरिंग करूं तो ये ऐसा हो जाएगा कि एच ई एफ, ठीक है, एच ई एफ प्लस एच एफ के, एच एफ के, ये चीज आ गई। तो हमारे पास ये कौन सा ट्राइंगल शेड हुआ, इसकी अगर आउटलाइन बनाए तो ये क्या शेड हुआ, ये हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल ही शेड हो रहा है, ये ट्राइंगल शेड हो गया, एच ई के का ट्राइंगल हमारे पास शेड हो गया। यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में।